आज के दिन का महत्व तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इसे हम 74 वर्षों से जो मनाते आ रहे हैं, आज भारत का 75वीं स्वतंत्रता दिवस है। भारत के इतिहास में इसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इसी दिन देश के आज़ाद होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। आज के दिन अगर स्कूल और कॉलेज खुले होते तो सुबह ही दुकानों के बाहर बच्चों का एक बड़ा सा झुंड देखने को मिलता, हाथ में झंडे और बहुत कुछ खरीदते हुए। पर अब तो हम सब घर पर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस दिन को मनाए ही नहीं। सिर्फ आज के दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन भारतवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस है। भारत के सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों ने 200 साल तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तब जाकर हमें आज़ादी मिली थी। महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे युवा नेताओं ने आज़ादी के लिए बलिदान दिया। किसी ने भी हार नहीं मानी। जो सुख शांति हम आज अनुभव कर रहे हैं वह सब इन्हीं लोगों के वजह से है, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य था भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया। इस आज़ादी का जश्न मनाना हर भारतवासी का फर्ज और हक है। इसीलिए चलो इस साल के स्वतंत्रता दिवस को भी यादगार बनाएं। जय हिंद, जय भारत।